गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। बच्चों, आप सब बड़ी देर से प्रतीक्षारत थे क्लास के लिए, क्योंकि क्लास का जो शेड्यूल था वो 5 बजे शुरू होना था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण, चूंकि आज की क्लास वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर भी चल रही है और साथ में लर्निंग ऐप पर भी आप क्लासेस ले रहे हैं, तो उसी के सेटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण मैं थोड़ा विलम्ब से पहुंचा हूं और आपकी क्लास 5 बजे के बजाय लगभग 5:30 बजे के आसपास शुरू हो रही है। तो 5:30 का टाइम हो चुका है और हम लोग जो है अपने ज्योग्राफी के सेशन से जीएस के एक नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सबका जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इसके साथ साथ, जैसा कि आपसे पिछली क्लास में जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी पहले दिन, उसमें मैंने आपको पूरा शेड्यूल समझा दिया था कि ज्योग्राफी मॉड्यूल से जो जीएस का आपका ये बैच लाइव होने जा रहा है, इसमें सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी के फिजिकल पोर्शन यानी फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो क्लास के शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने परसों आपकी क्लास ली थी, इंट्रोडक्टरी क्लास, और आज उस क्रम में तीसरी क्लास होनी चाहिए, लेकिन कल नेटवर्क इशू के कारण आपकी कोई भी क्लास नहीं चल पाई थी और आपका ये लाइव बैच भी नहीं चल पाया था। तो उसके लिए मुझे बड़ा खेद है कि कल आप सबको मैं ये लाइव क्लासेस नहीं दे सका, कुछ नेटवर्क इशू था, लेकिन आज जो है वो आपकी क्लासेस लाइव चल रही हैं और आज के बाद प्रॉपरली आपका ये सिलेबस मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो भी ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या जीएस की तैयारी में लगे हैं, वो लोग इस बैच के माध्यम से यहां पर अपने जीएस की लाइव क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक बार सभी को मेरा बहुत हार्दिक नमस्कार, चाहे आप YouTube के व्यूअर्स हैं, चाहे आप भारतीय लर्निंग ऐप पर क्लास कर रहे हैं, कहीं पर भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और चलिए अब हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को भूगोल विषय के संबंध में कुछ मूलभूत जानकारी दूंगा, यानी कुछ फंडामेंटल चीजें जो है आपसे डिस्कस करूंगा, और इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हुए फिर हम लोग एक एक चैप्टर वाइज यानी एक एक अध्याय के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भूगोल विषय को समझते हैं कि इसके अंतर्गत हम किन बातों का अध्ययन करेंगे। देखिए, भूगोल विषय की रोचकता इस बात में है, यानी ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि ये मानव जीवन से जुड़ा हुआ, इसका मानव जीवन से बहुत गहरा नाता है और हमारे दैनिक जीवन से संबंधित विषय है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एक खासियत यह है कि यह बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट माना जाता है, यानी इस विषय का संबंध विज्ञान के विभिन्न शाखाओं से है, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो यानी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या फिर जो सोशल साइंस होते हैं, चाहे हिस्ट्री है, चाहे इकोनॉमिक्स है, कोई भी विषय आप ले लें तो उससे भूगोल का संबंध आप पाएंगे। बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट माना जाता है, यानी एक दूसरे से संबंधित विषय है ये, और एक तरीके से भूगोल का नाता आप विभिन्न विषयों से देखेंगे। विज्ञान के विभिन्न विषयों में भूगोल सबसे अलग इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि ये सभी विषयों के बीच में एक अंतर संबंध बनाए हुए है। कैसे, इस पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा तो आपको और स्पष्ट होता चला जाएगा। ये दूसरी बात, अगर आप नोटिस करें तो मैंने कहा कि हमारे दैनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डालता। आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही हमारा आवास है, मानव जैसे अन्य प्राणियों, चाहे छोटे मोटे जीव जंतु हो या बड़ा जीव जंतु हो या वनस्पतियां हैं, सबके लिए एक आवास ग्रह के रूप में ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी को हमेशा एक मानव आवास के रूप में देखा गया है, और हम लोग जहां रहते हैं, जहां निवास करते हैं, उसके विविध पक्ष होते हैं। एक जैसे सराउंडिंग में हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी एक भौतिक वातावरण है, इसके साथ साथ हमारे जीवन के सांस्कृतिक पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष हैं, यानी जो आपका सोशल एस्पेक्ट्स है या जो आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, और इसके साथ साथ आप एक फिजिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसी में मानव का आप व्यवहार देखें या ह्यूमन बीइंग्स का उससे इंट्रैक्शन देखें, ज्योग्राफी इन सभी विषयों को डील करता है। तो ज्योग्राफी अपने आप में अगर देखा जाए, एक बहुत साधारण अर्थ में आप इसे परिभाषित करना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है,
ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच में जो रिलेशन है वो किस तरह का रिलेशन है, किस तरह से प्रकृति जो है मानव पर प्रभाव डालती है और मानव किस तरह से प्रकृति पर प्रभाव डालता है, इन दोनों के म्यूचुअल रिलेशन, इनके इंट्रैक्शन के बारे में जब स्टडी करते हैं, वही ज्योग्राफी है। तो भूगोल को बहुत साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो आप कह सकते हैं मानव और प्रकृति के संबंधों की व्याख्या करने वाला विषय। कैसे इन सब चीजों को हम समझेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपकी क्लास स्टार्ट करते समय यह बात डिस्कस किया था, वहीं से फिर डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं कि अगर एक लेमैन की तरह हम भूगोल विषय को समझना चाहें तो भूगोल को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। यानी आज हम लोग भूगोल के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझेंगे, जिसमें मैं बहुत इंट्रोडक्टरी चीजें आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे आज की चर्चा का विषय होगा, सबसे पहले मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि भूगोल क्या है, इस पर बात होगी। यानी एक तरीके से हम लोग भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है या इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो आप कह सकते हैं व्हाट इज ज्योग्राफी, इसका आंसर पाने की कोशिश करेंगे। भूगोल क्या है तो इसे डिफाइन करना और इसके मीनिंग को समझना, यह हमारे चर्चा का आज आरंभिक बिंदु होगा। डेफिनेशन या मीनिंग, ठीक है, इस पर बात होगी। फिर इसके बाद इसी डेफिनेशन के आधार पर हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भूगोल की विषय वस्तु क्या है। भूगोल की विषय वस्तु क्या है, यानी इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर कहने का अर्थ यहां पर यह है जिससे आप जान सकें कि इसमें हम लोग क्या डील करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर आप ज्योग्राफी, ठीक। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भूगोल के अध्ययन की कुछ विधियां होती हैं, हर विज्ञान के अध्ययन का कुछ तरीका होता है। तो भूगोल के अध्ययन की क्या विधियां हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। यानी आप कह सकते हैं कि हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि टेक्निक्स ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी या मेथड ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के स्टडी के क्या टेक्निक्स हैं या क्या जो है इसमें मेथड यूज किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर इसी तरीके से भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी ब्रांचेस कौन कौन सी ज्योग्राफी की हैं, भूगोल का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी क्या है, इन सभी विषयों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इन सभी विषयों पर बात करने से पहले हम यहां पर शुरुआत इस चीज से कर रहे हैं कि आखिर भूगोल विषय के अध्ययन की आवश्यकता क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो हम भूगोल विषय को परिभाषित करें, उसका अर्थ समझें कि भूगोल क्या है, भूगोल की विषय वस्तु क्या है, भूगोल का क्षेत्र क्या है, भूगोल के अध्ययन की विधियां क्या हैं, इन सब पर बात करने से बेहतर है कि सबसे पहले हम यही समझने का प्रयास करें कि आखिर हमें भूगोल पढ़ना क्यों। तो एक तो आपका जवाब हो सकता है कि सर पढ़ना इसलिए है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आएगा। मैं जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, उसमें जीएस सेक्शन में भूगोल के भी 4-5 प्रश्न आते हैं, इसलिए सर पढ़ रहा हूं। अगर यहां पर कमीशन के द्वारा पेपर सेट किया जा रहा है और उसमें पहले ही पता चल जाए भूगोल का एक भी प्रश्न नहीं आएगा तो सर कितना भी बेहतर विषय हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि आप यहां ज्ञान वर्धन के लिए पढ़ने नहीं आए, आपका इरादा सिर्फ इतना है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है उसका उत्तर आप दे सकें। तो भूगोल के संबंध में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी एक बेसिक जानकारी आप रखना चाहते हैं और इसी उद्देश्य के साथ आप सब भूगोल विषय पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन जब आप किसी विषय का अध्ययन करते हैं, अगर उसको हम अपने दैनिक जीवन में क्या महत्व है इससे जोड़कर समझ लें तो उसके पढ़ने की रोचकता बढ़ जाती। यानी ऐसा नहीं है कि आपका ज्ञान वर्धन ये करेगा, आपको परीक्षा में अंक दिलाने में सहायता प्रदान करेगा, बल्कि इसके साथ साथ दैनिक जीवन में भी इसकी एक उपयोगिता है और इसलिए इसमें आपकी एक रोचकता बनती है। तो सबसे पहले क्यों ना यही जानने का प्रयास करें इसका क्या महत्व है। खासकर आज के सर्कमस्टांसेस में अगर हम देखें, आज की परिस्थितियों में देखें, तो इसकी सार्थकता अपने आप आपसे सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि हम मैंने अभी पहले ही कहा कि मानव जो है
वो जिस परिवेश में रहता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है भौतिक वातावरण, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट, या जिसको आप कह सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है, जो हमारा सराउंडिंग है, जिसमें हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास के जितने भी घटक या कंपोनेंट आपको नेचुरल दिखाई दें, उसी को हम कहते हैं भौतिक वातावरण। अब इस भौतिक वातावरण के कई कंपोनेंट हैं, जैसे हम हवा में सांस ले रहे हैं, हमें जो है सांस में यानी वायु में क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायी गैस है, हमारे लिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से लाइफ गैस है, यानी जीवनदायी गैस है, लाइफ गिविंग गैस है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा, और खासकर मैंने कहा अभी करंट सिनेरियो में, वर्तमान परिस्थितियों में इसका महत्व आप भलीभांति समझते हैं। तो हमें ऑक्सीजन कहां से उपलब्ध होता है, इस बात की जानकारी हमें भूगोल विषय के अध्ययन से मिलती है। तो जब आप भूगोल पढ़ते हैं तो इससे आपको यह भी पता चलता है कि हमें ऑक्सीजन कहां से मिलती है, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें उपलब्ध हैं, उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, और किस तरह से हमारे लिए एक प्राणदायी गैस है जो हमें प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिया है। तो पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी पर एक ऐसा भौतिक वातावरण उपलब्ध है जिसमें मानव के लिए, उसके जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में जानकारी आपको वायुमंडल के संगठक को पढ़ते समय या वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को पढ़ते समय पता चलती है, और इस तरह से भूगोल विषय आपको इस विषय में कुछ बेहतर जानकारी देता है। तो आज जैसे अगर आप देखें कि हमारे सामने जो संकट पैदा हुआ है, खासकर ऑक्सीजन का संकट, वो शायद इसीलिए पैदा हुआ है कि मनुष्य ने इस बात को समझा ही नहीं कि हमें इस प्रकृति के अंदर जीवन यापन करते समय किस तरह से अपने भौतिक वातावरण को भी सुरक्षित रखना चाहिए, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना चाहिए। तो यदि इस बात का महत्व हम समझते तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारा जीवन आज इतना संकटपूर्ण नहीं होता, और इस बात का महत्व आप तभी समझते जब आप कहीं ना कहीं भौतिक वातावरण के प्रति एक समझ विकसित करते, एक अंडरस्टैंडिंग होती, और ये अंडरस्टैंडिंग आप में तब आती है जब आप भूगोल विषय का अध्ययन करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि प्रकृति ने हमें तरह तरह के संसाधन दिए, हमें कई तरह के रिसोर्स दिए, चाहे वो जल है, चाहे वो वायु है, चाहे वो मृदा है, ठीक है, कोई भी चीज है, नहीं सॉयल है, एयर है, वाटर है, ये सब हमें नेचर ने गिफ्ट के रूप में दिया है। ये प्राकृतिक संसाधन ही मानव के जो है वो कह सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार, आर्थिक विकास का आधार है। मानव ने जो भी सामाजिक प्रगति की है, सोशल डेवलपमेंट, जो भी सांस्कृतिक प्रगति की है, कल्चरल डेवलपमेंट, या जो भी आर्थिक प्रगति की है यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो सब के सब इन प्राकृतिक संसाधनों से ही कहीं ना कहीं संभव हुआ। अब इन प्राकृतिक संसाधनों में बहुत सारे संसाधन हैं, आप उसकी पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन इन संसाधनों को हमने तकनीकी ज्ञान की मदद से यानी टेक्नोलॉजी का नॉलेज जो है प्राप्त किया, शिक्षा दीक्षा के माध्यम से तकनीक का विकास किया, विज्ञान की मदद से तरह तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की, और इसके परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि इन्हीं तकनीकी ज्ञान की मदद से उसने संसाधनों का परिष्करण किया, उसका एनरिचमेंट किया, और एनरिच्ड करके उसे अपने विकास में उसने इस्तेमाल किया। लेकिन जब हम भूगोल विषय के प्रति यहां पर समझ का विकास नहीं करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से नहीं होती कि ये संसाधन सीमित है, इन संसाधनों का हमें सम्मान करना चाहिए, प्रकृति ने जो हमें उपहार स्वरूप दिया है उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, संरक्षित, तो हम अंधाधुंध विकास की ओर बढ़े, और ऐसे में इन संसाधनों का अधिकतम दोहन किया गया, यानी इनका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन किया जाने लगा, और इसके परिणाम स्वरूप आप देखिए तरह तरह के संकट आज पैदा हुए, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो ये जितने भी हमारे भौतिक वातावरण में आप देख रहे हैं समस्याएं दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे एक मुख्य वजह है कि हम भौगोलिक ज्ञान बहुत सीमित स्तर पर या तो रखते हैं, और या फिर हम जो भौगोलिक ज्ञान रखते भी हैं उसके अनुसार आचरण नहीं करते।
क्योंकि अगर आप भूगोल पढ़ते तो ये कहता है कि ये संसाधन जो है बहुत कीमती है, इनका आप सही तरीके से उपयोग करें और प्रकृति की जो है आप रक्षा करें। मानव का भी ये दायित्व बनता है कि वो प्रकृति की रक्षा करे, उसे कंजर्व करे और नेचुरल एनवायरनमेंट को एक बेहतर माहौल में ही बनाए रखे, क्योंकि मानव प्रकृति पर प्रभाव डालता है। हम कई तरह से प्रकृति को प्रभावित करते हैं, जैसे प्रकृति हमें प्रभावित करती है हम भी प्रकृति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हम जल, वायु, मृदा, इन सबके माध्यम से कहीं ना कहीं खाद्य उत्पादक बन गए, यानी धीरे धीरे मनुष्य जो है वो खाद्य उत्पादक बना, फूड प्रोड्यूसर बना और आज वो आप देखते हैं कृषि कार्य करके अनाज पैदा करना जानता है। लेकिन जब आप खाद्य उत्पादन की क्रिया में यहां पर मिट्टी का जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं उनको नष्ट करने लगेंगे, इतना ज्यादा जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे कि उससे मृदा की गुणवत्ता भी खराब होगी, उससे मृदा के पोषक तत्व भी नष्ट होंगे, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं भूमि बंजर होगी, उसकी उत्पादकता घटेगी। तो यदि प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बैठाकर विकास किया जाता तो हम कहीं ना कहीं बेहतर जीवन जी रहे होते। और इसीलिए आप देखिए आज भूगोल विषय का महत्व बढ़ गया है, विद्यालय स्तर पर भी बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है उसमें भौगोलिक ज्ञान को बहुत आवश्यक समझा जा रहा है। और इसीलिए अब विकास की एक नई विचारधारा विकसित हुई है जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, निर्वहनीय विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या निर्वहनीय विकास क्या है? जिसमें मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर विकास की धारा में आगे बढ़ता है। तो ये सारी बातें भूगोल विषय से संबंध रखती है। मैं जितनी भी चीजें आपसे बोले जा रहा हूं ये सब ज्योग्राफिकल नॉलेज के अंडर डील होती हैं और इसी से आप समझ सकते हैं भूगोल विषय का क्या महत्व है। तो बच्चों, कोरोना संकट के इस दौर में भूगोल विषय की प्रासंगिकता और बेहतर तरीके से बढ़ गई है कि भौगोलिक ज्ञान या भौगोलिक विषयों की समझ हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकती है। यदि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई नहीं हुई होती, वातावरण स्वच्छ होता, जल और वायु प्रदूषित नहीं होते तो शायद आज हमारा जीवन और बेहतर होता। पारिस्थितिकी संतुलन या इकोलॉजिकल अगर बैलेंस मेंटेन करके रखा होता तो हमारा जीवन और बेहतर होता। और इस तरह से कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मानव जीवन का बहुत गहरा संबंध इस विषय से है, यही इस विषय का महत्व है, यही इस विषय की रोचकता है। तो ये विषय, ये तो कम से कम आप समझ ही गए कि हमारे दैनिक जीवन से बहुत गहरा संबंध रखता है, हमारे डेली लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं उसका एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, चाहे गर्मी पड़ रही है, चाहे बारिश हो रही है, चाहे ठंडक का सीजन आता है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं भूगोल के अंतर्गत आप सब पढ़ने जा रहे हैं। तो मानव और प्रकृति के संबंधों की व्याख्या करने वाला शास्त्र, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स और हमारा नेचर या हमारा फिजिकल सराउंडिंग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इन चीजों पर समझ विकसित करने वाला जो विज्ञान है वही है भूगोल। यह आज के डेट में भूगोल की एक नवीनतम परिभाषा है। लेकिन हम लोग भूगोल की परंपरागत परिभाषा से शुरुआत करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि भूगोल विषय का विकास कैसे हुआ और इसमें क्या क्या चीजें कैसे समय के साथ जुड़ती चली गईं। तो भूगोल विज्ञान के विभिन्न विषयों और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों से एक इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन रखता है, इस पर भी मैं आपको एक समझ दूंगा कैसे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहां पर यह देखने की कोशिश करें कि एक विषय के रूप में भूगोल क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में एज ए डिसिप्लिन अगर ज्योग्राफी को समझा जाए क्या है, तो इसका जवाब कैसे आएगा, इसके लिए हम लोग भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में बात ही यहीं से शुरू की थी कि भूगोल के लिए जो अंग्रेजी रूपांतरण है जियोग्राफी, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इसके लिए रूट वर्ड अगर खोजा जाए, मूल शब्द जिनसे अन्य शब्दों का निर्माण होता है, तो ये टू ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें एक टर्म मैंने बताया था जियो और दूसरा टर्म आपको बताया था ग्राफोस। यानी ये यूनानी भाषा के दो शब्दों, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मैंने कहा एक है जियो और दूसरा है ग्राफोस। अब जो जियो टर्म है इसकी लिटरल मीनिंग भी आपको मैंने बताई थी क्या होती है, अर्थ यानी पृथ्वी।
और ग्रैफोस की लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए तो इसकी लिटरल मीनिंग होती है टू डिस्क्राइब, यानी वर्णन करना, वर्णन करना। तो आपके सामने टू रूट वर्ड्स आ गए, जियो एंड ग्रैफोस, दोनों की लिटरल मीनिंग हो गई अर्थ एंड टू डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इससे बना जियोग्राफी, और इस तरीके से आप इसके लिटरल मीनिंग को भी मिला दें तो इससे अर्थ निकल कर क्या आया, पृथ्वी का वर्णन। तो मैंने कहा पृथ्वी मानव का आवास है, ह्यूमन यहीं पर जो है अपना जीवन जीता है, तो इस कारण से मानव के आवास के रूप में पृथ्वी के वर्णन करने वाले शास्त्र को, यानी जो पृथ्वी का वर्णन करे उसी को कहा जाता है ज्योग्राफी। तो एक यहां पर सामान्य अर्थ में अगर हम सामान्य अर्थ में भूगोल को लें तो हम यह कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है, ज्योग्राफी एक ऐसा साइंस है जो पृथ्वी के बारे में हमें बताता है। यह एक बहुत सामान्य परिभाषा हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात आप समझिए कि ज्योग्राफी टर्म जो क्वाइनेज हुआ है, या जो भूगोल के लिए अंग्रेजी का रूपांतरण है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन है इसके लिए ज्योग्राफी, यह टर्म फर्स्ट टाइम क्वाइनेज किसने किया था? तो मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि ये सबसे पहले जिसके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया उनका नाम था इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज 3rd century BC में एक ग्रीक स्कॉलर हुए इराटोस्थनीज, और इन्होंने ही सबसे पहले इसके लिए भूगोल शब्द का जो है प्रयोग किया। तो यहां पर जो है अगर हम बात करें कि यह टर्म आया कैसे, तो आप कह सकते हैं भूगोल विषय के विकास की शुरुआत हम यूनानी दार्शनिकों के या यूनानी विद्वानों के द्वारा उठाए गए मुद्दों से रख सकते हैं। जैसे इराटोस्थनीस ने एक बुक लिखी थी जस पीरियोडस, जस पीरियोडस, जस पीरियोडस नाम से इन्होंने एक बुक लिखी, और इसी के आधार पर इन्होंने पहली बार, इसी बुक में इन्होंने पहली बार यह टर्म यूज किया था ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी टर्म जो है वो इराटोस्थनीस के द्वारा क्वाइनेज किया गया, और इस तरह से आप देखेंगे एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल के विकास की प्रक्रिया यहां से शुरुआत होती है। अच्छा, कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर जो आप बोर्ड पर लिख रहे हो बहुत क्लियरली दिख नहीं रहा है, शायद लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रही, क्योंकि मैं घर से ही ये लाइव हूं और यहां पर मैं व्हाइट बोर्ड पर आप सबको पढ़ा रहा हूं, तो शायद ये प्रॉब्लम आज आपको दिख रही होगी। मैं एक बार थोड़ा सा कोशिश करके देखता हूं। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि आप तक जो है जो भी लिखूं वो शायद स्पष्टता पहुंचे, एक बार प्रयास करके देखते हैं फिर से। तो अभी मैंने बहुत मूलभूत जानकारी आप सबको दी है कि जैसे पहला प्रश्न आएगा कि भूगोल के लिए जो ज्योग्राफी टर्म है सबसे पहले किसने यूज किया था, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इराटोस्थनीज, ये नाम मैंने लिखा था इराटोस्थनीज। फिर इसके साथ साथ अगर आपसे यहां पर यह पूछते हैं, इनके बारे में यह भी जान लीजिए कि ये 3rd century BC से रिलेटेड ग्रीक स्कॉलर है, 3rd century BC, 3rd शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी विद्वान है, ग्रीक स्कॉलर है। और फिर दूसरी चीज मैंने जो बताई इसमें जियो प्लस ग्रैफोस के बारे में बताया, तो एक पॉइंट आप यह भी लिख सकते हैं कि भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द जो है ज्योग्राफी, ये जियो और ग्रैफोस नाम के टू ग्रीक वर्ड से बना है, दो यूनानी शब्दों से बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जियो में अर्थ और ग्रैफोस का मतलब डिस्क्राइब। और इसके आधार पर भूगोल की परिभाषा मैंने बताई कि एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी का वर्णन करता है, टू डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। यहां तक बात हो गई, अब उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आप सबको थोड़ा बहुत क्लियरली दिख रहा हो, या अभी भी आप सबको देखने में दिक्कत आ रही है।
ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं हम लोग अब आगे चीजों को समझते हैं। तो जब हम पृथ्वी के वर्णन की बात करते हैं तो एक चीज यहां पर आप समझिए कि पृथ्वी का वर्णन करते समय एक तो अर्थ सरफेस पर, सतह पर कुछ चीजें मौजूद है उसका वर्णन शामिल है, यानी जो हम अपनी आंखों से पृथ्वी पर देखते हैं, तरह तरह के हमें लैंडफॉर्म्स जो है या स्थल रूप यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह पर कुछ स्थल रूप जो मौजूद हैं, सतह पर जो यहां स्थलाकृतियां मौजूद हैं, लैंडफॉर्म्स, सरफेस पर जो ये लैंडफॉर्म्स हैं, जब इनके बारे में हम स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं कि आखिर इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इनका क्या हमारे जीवन में रोल है। लैंडफॉर्म्स की या जब हम स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो इसमें जैसे आप देखें पर्वत हैं, पहाड़ हैं यानी पहाड़ियां हैं, पठार हैं, मैदान हैं, ठीक है, ये सब तरह तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटोज, प्लेन्स, ये जो सारे यहां पर आप कह सकते हैं लैंडफॉर्म्स हैं, ये भी हमारे अध्ययन का एक विषय है क्योंकि ये सब पृथ्वी की सतह पर मौजूद है। देखिए मानव का एक स्वाभाविक गुण होता है, उसका एक नेचर होता है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि वो बड़ा जिज्ञासु किस्म का होता है, क्यूरियोसिटी होती है उसमें, और क्यूरियोसिटी उसका एक ऐसा नेचर है जिसके कारण ही आप देखें ज्ञान विज्ञान के विविध विधाओं का विकास किया उसने। आज साइंस के जितने भी स्ट्रीम है वो सब डेवलप ही इसी थ्योरी पर हुए हैं कि हमारे अंदर चीजों को जानने की उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, हम चीजों को जो सराउंडिंग में देखते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बच्चा आप देखें जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद कुछ ही समय पश्चात जब उसमें धीरे धीरे चेतना का विकास होता है और वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बकैया चलना शुरू करता है, तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है चीजों को सीखने की, चीजों को जानने की। अगर उसके सामने आप कोई चीज रख कर हटाएं तो वो दौड़ेगा उसकी तरफ, उसको जानने की कोशिश करेगा। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो यहां पर मानव की जो प्रवृत्ति है वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती, हम बड़े होते जाते हैं, जिज्ञासाएं बढ़ती जाती हैं और यहीं से मैंने कहा हमारी नॉलेज इनरिच्ड होती जाती है। तो जब हम लैंडफॉर्म्स देखते हैं, अर्थ सरफेस पर तरह तरह के लैंडफॉर्म्स देखते हैं, तो हमारे मन में ये कहीं ना कहीं जिज्ञासा पैदा होती है, पर्वत कब बने, ये पर्वत कैसे बने, ये पर्वत कितने रूप में है, कहां कहां विस्तारित है, इन सब का अध्ययन पर्वत पहाड़ पठार मैदानों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी की सतह पर मौजूद इन बातों का अध्ययन करने से भूगोल की एक शाखा का यहां से विकास शुरू होता है और इसे कहते हैं जियोमोर्फोलॉजी। जियोमोर्फोलॉजी यानी इसे कहते हैं भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। अब देखिए आपका यहीं से सिलेबस बनना शुरू हो गया, यानी इस डिस्कशन से एक बात आप सबको समझ में आ गई कि हम लोग ज्योग्राफी में अगर टॉपिक निकालना शुरू करें कि कौन से टॉपिक या कंटेंट हमें फॉलो करने चाहिए, तो एक टॉपिक मैंने आपके सामने रखा जियोमोर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। अब भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आपको क्या पता चलता है कि जो हमारे अर्थ सरफेस पर तरह तरह के लैंडफॉर्म्स हैं ये कैसे बने, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ और फिर इनका क्या इंपॉर्टेंस है, और इस तरह की चीजों की जानकारी इससे हमें मिलती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत का उत्थान, हिमालय पर्वत का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय माउंटेन कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप जियोमोर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे टैथिस भूसन्नति थी, यानी एक टैथिस महासागर पर जमा हुई सिल्ट के ऊपर दबाव पड़ने से, यानी उस पर कंप्रेसिव फोर्स ने काम किया और जिससे हिमालय खड़ा हुआ, इन सब बातों का अध्ययन आप जियोमोर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये एक टॉपिक निकल कर आया, यानी केवल ये नहीं कहा जा रहा है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी में क्या वर्णन, अर्थ के बारे में क्या। तो अर्थ के बारे में सबसे पहली आपकी जिज्ञासा जो दिख रहा है उस पर पैदा हुई, और दिख क्या रहा है इसे लैंडफॉर्म्स हम कहते हैं, भूगोल की भाषा में इसे रिलीफ फीचर्स या उच्चावच के लक्षण कहते हैं। तो जब उच्चावच का अध्ययन किया जाए, भू आकृतियों का अध्ययन किया जाए, तो इसी को कहते हैं भू आकृति विज्ञान। ये भूगोल की एक शाखा हो गई। यहां तक बात समझ में आ गया। फिर क्या हुआ कि अब मनुष्य की जिज्ञासा यही नहीं शांत हो गई, उसने इन
लैंड फॉर्म्स की स्टडी की तो इसी दौरान उसके मन में एक जिज्ञासा और पैदा हुई कि भाई ये तो पृथ्वी के सतह पर मौजूद चीजें हैं। अब पृथ्वी पर ही आप देखते हैं कि आपके मन में यह भी जिज्ञासा पैदा होती कि इसके अंदर क्या, यानी इसका आंतरिक भाग कैसा होगा, इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एक तो पृथ्वी की सतह पर जो ऊपर दिख रहा है उसके बारे में जानकारी, और एक हमारे मन में जिज्ञासा है कि इसके अंदर क्या है। भाई पृथ्वी गोल है बताया गया, पृथ्वी बहुत विशाल है बताया गया, तो ऐसे में मन में पैदा हुआ कि इसके अंदर क्या मौजूद है। तो जब पृथ्वी के अंदर की बात करने लगे तो आंतरिक भाग में जाने पर पता चला कि जितना हम लैंड सरफेस पर चीजों को देख रहे हैं उससे भी गहराई वो कहीं ना कहीं इसके आंतरिक भाग में, क्योंकि इसके आंतरिक भाग में अगर पृथ्वी के केंद्र तक आप जाने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि ये मोर देन 6000 किलोमीटर तक अंदर इसकी गहराई, इसका क्रोड भाग जो है, जो इसका सबसे आंतरिक भाग है, क्योंकि आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो संरचनाएं हैं उसके आधार पर इसके तीन पार्ट हैं, तीन लेयर हैं, जिसमें सबसे ऊपरी भाग को हम कोर कहते हैं, ठीक है, क्रस्ट, सॉरी, सबसे ऊपरी भाग को हम क्रस्ट कहते हैं यानी भूपर्पटी कहते हैं, फिर इसके बाद जो है जो दूसरा भाग है इसे मेंटल कहते हैं, और जो तीसरा भाग है इसे कोर कहते हैं, सबसे आंतरिक भाग को कोर कहते हैं या हिंदी में इसे क्रोड कहा जाता है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीन लेयर में हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर डिवाइडेड है, आंतरिक भाग बटा है। तो यहां पर आप अगर देखें तो एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आखिर इसके अंदर के भाग के बारे में हम पता कैसे करें, कैसे जाने। तो आप जब इसको पढ़ते हैं कि अंदर की संरचना जानी जाए तो इसी के तहत जो है एक नया विज्ञान आपके सामने आता है और इसे को कहते हैं ज्योतिषी, या इसे कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। तो पृथ्वी के वर्णन के अंतर्गत दो चीजें आ गई, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर मतलब सरफेस पर हमें जो चीजें दिख रही है लैंडफॉर्म्स हो गया, और अंदर का मतलब हो गया हम ज्योतिषी के माध्यम से या भूगर्भ शास्त्र के माध्यम से इन बातों का अध्ययन करते हैं कि आंतरिक भाग कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका क्या महत्व है, इन सब चीजों के बारे में हमें यहां से पता चलता है और विज्ञान इसमें हमें जानकारी में मदद करता है। यानी अंदर की चीजों को जानने के लिए विज्ञान की कई विधियों का सहारा लिया जाता है, जैसे सीस्मोलॉजी है, भूकंप विज्ञान है, जिससे कुछ चीजें पता की गई हैं, या इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो पृथ्वी के अंदर से कुछ निकलकर मोल्टेन फॉर्म में कोई पदार्थ होता है जो बाहर आता है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, तो मैग्मा के माध्यम से भी कुछ पता चलता है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में कुछ चीजें सेमी लिक्विड फॉर्म में भी हैं। तो ये सेमी लिक्विड फॉर्म में जो बेनेथ ऑफ द अर्थ मौजूद है ये क्या है, ये सब चीजें हम ज्योतिषी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के बारे में वर्णन करने का मतलब यह हुआ कि एक तो पृथ्वी की सतह पर जो मौजूद है उसका अध्ययन, जियोमोर्फोलॉजी, और दूसरा पार्ट आपके पास आ गया वो हो गया ज्योतिषी यानी भूगर्भ शास्त्र। तो दो चीजें आ गई आपके सामने, दो टॉपिक आ गए, जियोमोर्फोलॉजी एंड ज्योतिषी। अब आगे बढ़ते हैं, तो जब हम पृथ्वी के इस तरह से ऊपर और नीचे के संपूर्ण भागों को मिला देते हैं, इन लैंड फीचर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं स्थल भाग, या इसको कहते हैं स्थल मंडल। यानी ओवरऑल इन दोनों को मिलाकर इसे एक नाम दिया जा सकता है और इसे कहा जा सकता है लिथोस्फियर। तो भूगोल में, ज्योग्राफी में एक टर्म आप यूज करते हैं लिथोस्फियर यानी स्थल मंडल। अब स्थल मंडल के अंतर्गत दो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गई, एक जियोमोर्फोलॉजी और एक ज्योतिषी, ठीक है, इन दोनों का अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इसमें बहुत विस्तार से चीजें जुड़ती चली जाएंगी, लेकिन कम से कम आप ये कह सकते हैं भूगोल के अंतर्गत जो सबसे ब्रॉड टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपका, वो है लिथोस्फियर यानी स्थल मंडल। यहीं से आपका देखिए पाठ्यक्रम बनता चला जा रहा है। पहले एक छोटी सी चीज आई लैंड सरफेस के बारे में स्टडी करना, फिर आया इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, फिर दोनों को मिलाकर अब हम कह रहे हैं पूरा लिथोस्फियर, पूरे स्थलीय भाग का अध्ययन करना। तो स्थल पर होने वाले जितने भौतिक प्रक्रम है,
जितने नेचुरल फेनोमेना उन सब के बारे में जानकारी एकत्रित करते हम लोग स्थल मंडल के अंतर्गत, जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, ये सब कहाँ कैसे वितरित है, इनका निर्माण कैसे हुआ, फिर इसके अलावा भूकंप कैसे आता है, भूकंप आने की वजह क्या होती है, पृथ्वी के अंदर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे भूकंप पैदा होता, अर्थक्वेक के बारे में जानना, फिर इसी तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन, इन सब अध्ययनों के आधार पर हम पूरा एक टॉपिक बनाते हैं और इसको कहते हैं स्थल मंडल। यहां तक समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ते हैं। अब मनुष्य की जिज्ञासाएं केवल यहीं पर सीमित नहीं है, जिज्ञासाएं उसकी निरंतर गतिमान डायनेमिक है। हम एक चीज पर अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं, यानी उसको जानने की इच्छा हुई, उसके बारे में पता चल गया, तो हमारी क्यूरियोसिटी उसके बियॉन्ड भी जाने लगती। अब मानव ये सोचने लगा कि चलो पृथ्वी के बारे में तो जान लिया, लेकिन जो हमें आसमान में चीजें दिख रही, ये बादल दिख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा दिख रहा है, इस सराउंडिंग में जितनी चीजें उसको दिखाई दे रही थी उसके बारे में भी सोचने लगा। तो हमने ये पाया कि हमारे पृथ्वी पर इसके चारों ओर एक गैसीय आवरण भी मौजूद है। हमारे पृथ्वी के सराउंडिंग, अर्थ के सराउंडिंग एक लार्ज गैसियस एनवेलप है, एक बहुत विशाल गैसों का पिंड है, एक गैसों का पूरा आवरण है। और इस तरीके से जो ये गैसियस एनवेलप है या जो ये गैसीय आवरण है, इसके बारे में भी जब हमने अध्ययन करना शुरू किया तो पता चला ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और पृथ्वी पर जीवन की संभावना इसी के कारण है। तो इसको हमने नाम दे दिया वायुमंडल, यानी एटमॉस्फेयर। तो अभी आपसे मैं क्या जिक्र कर रहा था, एक हो गया लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, स्थल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, मतलब ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हमारे भूगोल विषय में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। तो एक चीज स्थल मंडल हो गई, दूसरी बात निकल कर आई वायुमंडल। अब वायुमंडल क्या है, तो मैंने कहा हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल गैसीय आवरण है, एक गैसियस एनवेलप है जो सराउंडिंग मौजूद है, इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये हमारे अर्थ के साथ अटैच कैसे है, तो इस पर एक फोर्स काम कर रहा है, हमारे अर्थ पर ग्रेविटी मौजूद है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या ग्रेविटी के कारण ही ये इससे अटैच है। तो अगर ग्रेविटी ना होती तो ये एटमॉस्फेयर जो हमारे सराउंडिंग है ये नहीं होता, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारा जीवन सुलभ नहीं होता, जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि वायुमंडल से ना केवल हमें जीवनदायी गैसें ऑक्सीजन मिल रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर हमारे इस गैसीय आवरण में मौजूद हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर ही जो ये गैसीय आवरण मौजूद है, चारों ओर पृथ्वी के इस गैसीय आवरण में ही कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जिस तरह से मानव और जंतुओं के लिए, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन जीवनदायी गैस है, ऐसे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल। क्योंकि आप सब साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं और आप सब ये सब बात जानते होंगे कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, उस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तरीके से प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जरूरी है, यानी आज अगर पृथ्वी हरी भरी है, पृथ्वी पर पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी भूमिका है। फिर इसके साथ साथ यहां पर आप ये भी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो ये गैसीय आवरण है, इसी में ओजोन गैस भी मौजूद है, और ओजोन गैस जो है वो भी हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है पृथ्वी पर, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हीट है ऊष्मा, और ये हमें सूर्य से प्राप्त होती है, यानी जो सनलाइट पृथ्वी तक आती है, जिसे हम सोलर इंसुलेशन कहते हैं, सौर विकिरण, ये जो सौर विकिरण है जो पृथ्वी तक आता है, इंसुलेशन है, ये फिल्टर होकर हम तक आ रहा, और फिल्टर करने का काम ओजोन कर रही है, और ओजोन इस तरह से हमारे लिए एक तरीके से आप कह सकते जीवन रक्षक गैस है। क्योंकि अगर ओजोन एक लेयर ना बनाती और इसे फिल्टर ना करती तो सनलाइट में, सोलर इंसुलेशन में जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो भी हम तक पहुंचती,
और अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो मनुष्य के लिए या प्राणियों के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, हमारी त्वचा के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं और तरह तरह से रोग या व्याधियां इससे उत्पन्न हो सकती थी, डिजीज हो सकते थे। तो इस तरह की चीजें आप कब जानेंगे, जब आप भूगोल विषय के अंतर्गत वायुमंडल के महत्व को पढ़ेंगे या वायुमंडल के संगठन को पढ़ेंगे तो विस्तार से इसमें एक एक चीजों का आप अध्ययन करेंगे। फिर ओजोन का डिप्लेशन कैसे हो रहा है मानव की गतिविधियों के कारण, यानी मैंने भूगोल विषय पढ़ाने से पहले एक बात कही कि ये आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो मानव और प्रकृति के संबंधों की व्याख्या करता है। प्रकृति हम पर प्रभाव डालती है, हम प्रकृति पर प्रभाव डालते। आप इस गर्मी के सीजन में घरों में एसी चलाते हैं, एयर कंडीशन से जो यहां पर गैस निकलती है, उमीट होती है, उत्सर्जित होती है, वो होती है ध्यानते सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए हार्मफुल होती है। तो जब ओजोन के डिप्लेशन की बात आती है तो मानव की गतिविधियां जिम्मेदार, हम जो वायु प्रदूषण कर रहे हैं, जो यहां पर पेट्रोल डीजल इस तरह के ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी जो हम बायोफ्यूल यूज कर रहे हैं, जैव ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, या मैंने कहा रेफ्रिजरेटर है, एसी है, इन सबसे जो गैसें निस्सृत हो रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक तरीके से ओजोन के डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो वायुमंडल में जो गर्मी बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस है और ये कहीं ना कहीं पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाने का काम कर रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, ये प्रक्रम क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, सब पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन ये टॉपिक किसके अंतर्गत आ जाएगा, वायुमंडल। फिर वायुमंडल में ही आप पढ़ेंगे इसके अलग अलग लेयर हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर किसे कहते हैं, क्षोभ मंडल किसे कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर किसे कहते हैं, समताप मंडल किसे कहते हैं, इन सब के बारे में भी आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मैंने अभी तक के डिस्कशन से आपको यह स्पष्ट किया कि अगर भूगोल विषय में देखा जाए तो एक मेजर टॉपिक है लिथोस्फीयर और एक दूसरा टॉपिक है एटमॉस्फीयर, यानी वायुमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये दो टॉपिक आपके सामने आ गए। अब लिथोस्फीयर में भी बहुत सारे फर्दर टॉपिक जुड़ते चले जाएंगे, जैसे जियोमोर्फोलॉजी एक अध्याय होगा इसमें, जियोडसी इसमें एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा, और फिर इसी तरीके से आप इसमें कई चीजों का अध्ययन करेंगे। ऐसे एटमॉस्फेयर में भी कई टॉपिक आपके सामने जुड़ते चले जाएं, लेकिन कम से कम कंटेंट क्लियर होने चाहिए कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब मानव अपने भौतिक जगत में, अपने फिजिकल एनवायरमेंट में रह रहा है तो उसकी जिज्ञासा फिर यहां से आगे बढ़ी और वो सोचने लगा कि पृथ्वी पर स्थल के साथ साथ अगर जल है तो जल किन किन रूपों में और कितना। और आप सब शायद इस बात से भली भांत परिचित हैं कि पृथ्वी के दो मुख्य हिस्से हैं, एक स्थलीय भाग है, एक लैंड पोर्शन है, तो एक जलीय निकाय है, यानी जो एक वाटर बॉडी है। और पृथ्वी को अगर हम संपूर्ण ले लें, यानी टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ देखें, तो इसके केवल एक तिहाई भाग पर ही लैंड पार्ट है, बाकी दो तिहाई भाग तो जलीय ही, 2/3 वाटर है। और यह भी बड़ा रोचक है कि पृथ्वी के दो तिहाई भाग पर जल की मौजूदगी के बाद भी हम लोग कहते हैं आने वाला समय जल संकट के रूप में देखा जा रहा है, वाटर क्राइसिस। यानी इस एक तरीके से अगर देखा जाए तो जल की उपलब्धता बहुत सीमित होती जा रही है और आने वाला समय वो जल के दृष्टिकोण से सबसे चुनौतीपूर्ण होने वाला। तो जब पृथ्वी पर, बहुत सारे बच्चों के मन में आ सकता है कि सर जब दो तिहाई जल ही है तब भी जल संकट, तो इसका कारण भी आप जानते हैं कि जिस जल की बात हो रही इसमें अधिकांश हिस्सा समुद्रों का है, ओशंस है या सी है, बे है, गल्फ है, खाड़ियों में है, या फिर आप कह सकते हैं सागरों में है, समुद्रों में है, अधिकांश हिस्सा जो है इन्हीं में जल के रूप में मौजूद है। और आप सब जानते हैं सलाइन वाटर होता है, खारा पानी होता है। तो जो खारा पानी है ये मानवीय उपयोग के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, यानी हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फ्रेश वाटर यूज करते हैं, ताजे पानी का प्रयोग करते हैं, और ताजे पानी की उपलब्धता बहुत सीमित है, और इसी कारण से जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, सीमित है, जबकि हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। मानव शरीर की रचना में कहा जाता है 5 प्रमुख तत्व हैं। शायद आपने ये लाइन भी पढ़ी होगी, क्षितिजल पावक गगन समीरा,
पंच तत्व से बना शरीरा। तो हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक वाटर है। आप सब जानते हैं कि जल हमारे शरीर में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो ऐसी स्थिति में जल का जो भाग है, जब इसके बारे में अध्ययन करना हम लोग शुरू करते हैं तो देखते हैं कि इसकी कई तरह से भूमिका है। इसी जलीय भाग का परिणाम है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं जो है वो तापमान के मेंटेनेंस में भी, टेम्परेचर के मेंटेनेंस में भी इसकी भूमिका है, या फिर मौसम संबंधी जो दशाएं होती हैं उसमें भी इसकी भूमिका, जैसे वर्षा है। इसके साथ साथ जो है वो जल और भी कई तरह से हमारे लिए उपयोगी संसाधन है, तो इसकी क्या क्या भूमिका है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इस टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो इसी को कहते हैं जल मंडल, या इसको कहते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। तो एक लिथोस्फीयर था, एक एटमॉस्फीयर था, और फिर इसके बाद हो गया हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल। और इन सब में हम लोग विस्तार से एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आपको अभी तक मैंने तीन मेजर चीजें बता दी, लिथोस्फीयर, दूसरा एटमॉस्फेयर, तीसरा जो है हाइड्रोस्फेयर यानी स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, यानी स्थल, जल और वायु, इन तीनों के संयोग से ही एक ऐसे भौतिक वातावरण का, फिजिकल एनवायरनमेंट का निर्माण होता है जिसमें जीवन की उपलब्धता है। यानी अगर मैं बेन डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करूं तो मैंने एक बेन डायग्राम यहां पर इस तरह से ड्रॉ किया, इस तरह से बनाया, ठीक है। बेन डायग्राम आप सब रीजनिंग में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से इस चीज को आप समझ रहे होंगे कि अगर इसमें हम इस भाग को मान लें कि ये स्थल है, यानी ये लैंड पार्ट है, इस भाग को आप मान लीजिए कि ये जलीय भाग है यानी ये वाटर पार्ट है, और इस भाग को आप मान लीजिए कि ये वायुमंडल का भाग है यानी एयर पार्ट है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जिस एरिया में बनता है, जहां पर स्थल, जल और वायु का संयोग होता है, यहीं पर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं, और जहां पर जीवित प्राणियों का आवास हो या जहां जीवन की आवश्यक दशाएं मौजूद हो, उसी को हम कहते हैं जैव मंडल, या इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ? जैव मंडल, या वो घटक जहां पर आप देखें जल, वायु और स्थल के संयोग से जीवन के लायक आवश्यक दशाओं का निर्माण होता है। तो इस तरीके से यहां पर आप जब यहां एक और टॉपिक जोड़ेंगे भूगोल के अंतर्गत, तो इसमें आ जाएगा बायोस्फीयर यानी जैव मंडल, और इस तरह से स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल, ये स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी हो गए, भूगोल के अलग अलग क्षेत्र हो गए जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप इन सब चीजों पर विचार करते हैं तो क्या पाते हैं कि ये सब नेचर के द्वारा जो है अवेलेबल हुआ है, प्रकृति ने हमें दिया। पृथ्वी पर चाहे पर्वत, पठार, मैदान की बात करें, यह भी नेचुरल फेनोमेना से बना है। अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, यह भी आप पाएंगे एक नेचुरल प्रोसेस से सारी चीजें बनी है। इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं। हमारी पृथ्वी जब उत्पन्न हुई, जब पैदा हुई, आज के लगभग 4.6 अरब साल पहले, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, जिस तरह के प्रमाण इकट्ठे किए गए उससे पता चलता हमारे पृथ्वी की जो एस्टिमेटेड एज है, अनुमानित आयु है, वो 4.6 बिलियन ईयर्स है। और इसका मतलब कि जब धरती पर जीवन भी नहीं था तब भी इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें नेचुरल है, प्रकृति ने दी है। फिर इसके साथ साथ इसी धरती पर पर्वत, पहाड़, पठार बने तब भी जीवन नहीं था, जल आया तब भी जीवन नहीं था, और फिर आगे चलकर इसी जल के मौजूदगी से जीवन का विकास शुरू हुआ। तो मानव की उत्पत्ति तो बहुत बाद में हुई है, ठीक है। तो आप जब यहां इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी ये पार्ट आता है कि मानव की उत्पत्ति आज से बहुत ज्यादा पहले नहीं, अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है मानव की उत्पत्ति हुई, और आज से लगभग 25 लाख साल पहले शायद मानव का जन्म हुआ। तो प्राणियों की उत्पत्ति तो हालांकि बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, करोड़ों साल पहले,
और भूगोल के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का जब भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे, यानी अर्थ की अपनी एक जो है जियोग्राफिक हिस्ट्री है, भूगर्भिक इतिहास है, तो उसमें हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे कैसे हुआ। तो यहां पर इसी विकास क्रम में हम पाते हैं सब कुछ प्राकृतिक प्रक्रम के तहत हुआ है, नेचर के द्वारा हुआ है। तो जो चीजें नेचर से हमें मिली, जो सारी चीजें नेचुरल फेनोमेना से आई हैं, उसी को हम एक अन्य भाषा में फिजिकल भी कहते हैं, यानी इसी को हम भौतिक कहते हैं। तो बच्चों, भौतिक शब्द का मतलब ही होता है नेचुरल, प्राकृतिक। तो जब आप भौतिक भूगोल पढ़ने की बात करते हैं, तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, या इसे फिजिकल ज्योग्राफी क्यों कहते हैं। तो एक तो ज्योग्राफी हो गया जो पृथ्वी के बारे में जानकारी दे, जो मानव और प्रकृति के संबंधों की व्याख्या करे, यानी एक ऐसा साइंस जो अर्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन दे, ह्यूमन और नेचर के रिलेशनशिप को जो है डिस्क्राइब करे, वो ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी में भी जब हम कहते हैं कि आज से फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं, तो फिजिकल का मतलब हो गया कि जिसमें नेचर के द्वारा हमें जो लैंड, एयर, वाटर और जो जीवन के घटक मिले हैं, इनका अध्ययन, तो इन्हीं के बारे में आप पढ़ लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका भौतिक भूगोल। अब इसी भूगोल का एक और हिस्सा, यानी भौतिक भूगोल का ही एक पार्ट है, वो है सबसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, और वो है हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी अभी भी सीमित है, क्योंकि ब्रह्मांड असीम है, जिसका एक दायरा इतना विशाल है कि हम उसके बारे में जितना रिसर्च करें नित नए ज्ञान मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, विद्यालय में पढ़ते थे, स्कूलिंग लेवल पर थे, तो हमें पढ़ाया जाता था हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। अब हमारे बच्चों का जब समय आया, तो उनको पढ़ाया जा रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। तो भैया, एक क्या खत्म हो गया? तो खत्म नहीं हुआ, रिसर्च से, साइंस की मदद से यह पता चला कि जिसे हम लोग प्लैनेट मानकर चल रहे थे, वो रियल प्लैनेट है ही नहीं, प्लैनेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। और मैं बात कर रहा हूं प्लूटो को, तो प्लूटो को एक नई डेफिनेशन दे दी गई और उसे ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह कह दिया गया। अब हम सोलर सिस्टम में कहते हैं 8 प्लैनेट्स हो गए। तो इस बात से एक स्पष्ट जानकारी हम लोगों को क्या मिली कि सोलर सिस्टम हो या हमारा यूनिवर्स हो, वो इतना बृहद रूप लिए हुए है, जिस पर साइंस और टेक की मदद से, रिसर्च के माध्यम से नित नई जानकारी बाहर आती। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भौतिक वातावरण में अपने ब्रह्मांड या कम से कम अपने सोलर सिस्टम को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक टॉपिक आप और जोड़ लेंगे, वो है यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड। तो आज बच्चों, इस व्याख्या से मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि भूगोल विषय क्या है। भूगोल को आप अगर एक सामान्य परिभाषा देने की कोशिश करें, तो आप उस विषय को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो भूगोल विषय का आपका पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, तो एक चीज आपने ध्यान ली, अब जरा एक चीज और समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं भूगोल के अध्ययन की विधियां, यानी मेथड ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, अध्ययन विधियों की बात करें, यानी स्टडी के मेथड की बात करें कि हम इसकी कौन सी अध्ययन विधियों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें दो चीजें ध्यान रखिएगा। एक को कहा जाता है सिस्टमैटिक अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी इसको कहते हैं हम क्रमबद्ध उपागम, क्रमबद्ध उपागम, क्रमबद्ध उपागम। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा था कि स्थल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में, ये सब एक सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी जो हमारा नेचुरल सिस्टम है, ये कैसे बना, इस सिस्टम के बारे में हम स्टडी करते हैं और एक क्रम के अनुसार करते हैं। तो इनके बारे में जब हम कोई भी तरीका पढ़ने का अपनाएं, यानी क्रमबद्ध उपागम का मतलब हो गया विभिन्न तत्वों का अलग अलग अध्ययन करना और फिर उनमें एक संयोग बनाना, उनमें एक कॉम्बिनेशन। जैसे हमने स्थल के बारे में अलग जानकारी ले ली, वायुमंडल के बारे में अलग जानकारी ले ली, जैवमंडल के बारे में अलग जानकारी ले ली, सभी तत्वों का अलग अलग अध्ययन।
सभी एलिमेंट्स के डिफरेंट स्टडी हमने की और फिर उनके बीच में एक सीक्वेंस बैठाने का प्रयास किया, कौन सी चीजें कैसे बनी, कैसे इंटरैक्ट करती हैं, तो इसको कहते हैं क्रमबद्ध उपागम, सिस्टमैटिक अप्रोच कहा जाता है। और इसी तरीके से एक दूसरा यहां पर जो है उपागम है जिसको कहते हैं रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच या इसको कहते हैं प्रादेशिक उपागम। अब प्रादेशिक उपागम का मतलब क्या हुआ? जब हम भूगोल में एक बृहद क्षेत्र लेते हैं, एक बहुत ब्रॉड एरिया लेते हैं और उसको अलग अलग रीजन में डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने विश्व की बात की, ठीक है, संपूर्ण विश्व को ले लिया, वर्ल्ड की हम बात करने लगे, तो वर्ल्ड का मतलब है कि हम लैंड सरफेस पर जो चीजें मौजूद हैं उसकी बात कर रहे हैं, और विश्व को हमने कहा हम 7 महाद्वीपों में विभाजित कर दें, क्योंकि पूरा विश्व 7 मैसिव लैंड मासेस में डिवाइडेड है, या इसका जो आप देखेंगे लैंड पोर्शन है वो सब एक साथ नहीं, अलग अलग लैंड ब्लॉक्स हैं। तो जो 7 लैंड ब्लॉक्स हैं, बड़े बड़े स्थलखंड हैं, भूभाग हैं, इन्हीं को हम कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप कहते हैं। तो जब विश्व को आप 7 महाद्वीपों में बांटकर एक एक का अध्ययन करें तो उसे रीजनल अप्रोच कहा जाता। या जैसे मान लीजिए कि आप संपूर्ण विश्व को अलग अलग देश में बांटकर पढ़ें, देश को प्रदेश में बांटकर पढ़ें, प्रदेश को आप जो है यहां पर हो सकता है और छोटी इकाइयों में बांट दें, कोई भी इकाई वो हो सकती है, जितना ही आप यूनिट बनाते चले जाएं, तो चाहे वो भौतिक प्रदेश हो, चाहे वो राजनीतिक प्रदेश हो, चाहे वो सांस्कृतिक प्रदेश हो, भाषाई प्रदेश हो, कोई भी आप ले लें, यानी अलग अलग रीजन में बांट करके चीजों के बारे में जानना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं भारत का भूगोल, तो भूगोल की दुनिया से भारत अलग तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के भूगोल में पृथ्वी या स्थल मंडल कुछ और है और भारत के भूगोल में स्थल मंडल कुछ और है, सब कुछ एक है, लेकिन फिर भी सबकी अपनी क्षेत्र की अलग अलग भौतिक विशिष्टताएं, सभी रीजन की अपने अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स। जैसे भारत में जलवायु अलग है, अमेरिका में जलवायु अलग है, भारत में भी आप प्रदेश के अनुसार देखेंगे उत्तर भारत में कुछ अलग तरह की जो है स्थलाकृतियां मिलती हैं, कुछ अलग तरह की भौतिक विशिष्टताएं मिलती हैं, दक्षिण भारत में कुछ अलग तरह के फिजिकल फीचर्स हैं। तो जब इस तरह से आप रीजन बनाकर अलग अलग रीजन के बारे में स्टडी करें तो उसी को कहते हैं रीजनल अप्रोच, या इसको कहा जाता है प्रादेशिक उपागम। तो अब अगर बच्चों मैं आपसे एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछूं कि भूगोल की इंपॉर्टेंस क्या है, भूगोल पढ़ने का महत्व क्या है, तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप भली भांति समझा पाएंगे। अब मैं पूछूं भूगोल क्या है तो यह भी आप डिफाइन कर पाएंगे। अब मैं पूछूं भूगोल के अध्ययन की विधियां क्या है तो यह भी आप समझा पाएंगे। भौतिक भूगोल क्या है तो भी समझा पाएंगे। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी कौन से सब्जेक्ट को आप डील करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, तो वो भी समझा पाएंगे। यानी आज से आपको अपना पाठ्यक्रम स्पष्ट हो जाना चाहिए बच्चों कि आपको भूगोल के अंतर्गत मेनली क्या पढ़ना है, तो वो हो गया भौतिक भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल, ये दो मेजर सेक्शन हो गए। अब आ जाते हैं, मैंने अभी एक नई परिभाषा आपको बताई थी भूगोल की, कि भूगोल मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन है, यानी ह्यूमन और नेचर का क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी स्टडी हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं, ये इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है। तो इस रूप में अगर आप देखें तो भूगोल में एक और ब्रांच डेवलप की गई है, वो है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें मानव से जुड़े हुए विविध सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, यानी कल्चरल एस्पेक्ट्स की स्टडी होती है, और इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे मानव कई तरह की आर्थिक गतिविधियां करता है, जैसे कृषि है, तो मानव भूगोल के अंतर्गत ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो ज्योग्राफिकल टर्म में, क्योंकि इकोनॉमिक्स के टर्म में कृषि आप अलग पढ़ेंगे, यहां कृषि कुछ और पढ़ेंगे। जैसे भूगोल में एग्रीकल्चर का टॉपिक आएगा तो रबी की फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, जायद की फसलें कौन सी होती हैं, किस फसल के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल होती है, इन सब के बारे में आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। या फिर इसी तरीके से उद्योग है, इंडस्ट्री है, इसी तरीके से परिवहन है यानी ट्रांसपोर्टेशन है,
ये सब जो टॉपिक आते हैं वो मानव भूगोल के अंतर्गत डील किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए निर्जातीयता है, इथनी सिटी की बात की जाए, ठीक है, जिसमें ह्यूमन रेसेस के बारे में, जो मानव प्रजातियां हैं, या फिर तरह तरह की जो ट्राइब्स पाई जाती हैं, जनजातियां पाई जाती हैं, डेमोग्राफिक फीचर्स है, जनांकिकी संदर्भ में आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए लिटरेसी रेट है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, इन सब चीजों पर जब अध्ययन करते हैं तो उसी को कहते हैं मानव भूगोल। तो इन समस्त चर्चाओं से या इन सारे डिस्कशन से एक बात आपके सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अगर पाठ्यक्रम को आप अध्ययन की सुविधा से अलग अलग इकाइयों में बांटना चाहें तो कुल मिलाकर के आपको 3 खंड इसमें पढ़ने होते हैं, 3 यूनिट्स पढ़नी होती हैं, जिसमें पहला है फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, दूसरा है रीजनल ज्योग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल, और तीसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। तो ये 3 चीजें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो भूगोल से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर उत्तर देने में आप बहुत सहज अनुभव करेंगे, बहुत ही आसान लगेगा, और इसी क्रम में हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जितनी भी मैंने चर्चा की उसके आधार पर अब मैं आपके सामने ज्योग्राफी का संपूर्ण पाठ्यक्रम लिख दे रहा हूं, और अब आप नोटबुक खोल लीजिए और ये पाठ्यक्रम लिख लीजिए, क्योंकि इसी के अनुरूप मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ज्योग्राफी पर आज के डिस्कशन से ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि भूगोल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होगी फिजिकल ज्योग्राफी से। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, फिर इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वो है रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल, और प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत ध्यान रखिएगा एक वर्ल्ड का रीजनल ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, यानी विश्व का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें हम लोग 7 महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे, और दूसरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीजों की स्टडी करेंगे यानी भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो इसमें 2 टॉपिक मैंने इंक्लूड कर दिया, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी विश्व का प्रादेशिक भूगोल, और एक भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो भारत का भूगोल और विश्व का प्रादेशिक भूगोल ये रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहां पर तीसरा पार्ट आप पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। अब मानव भूगोल के अंतर्गत आप देखेंगे, मैंने कहा कि फिर और भी इसमें मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाएगा, चाहे कृषि के संबंध में हो, चाहे उद्योग के संबंध में हो, चाहे जो है जनसंख्या के संदर्भ में हो, चाहे जो है प्रजातियों के संदर्भ में हो, जनजातियों के संदर्भ में हो, सभी विषयों पर इस पर हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एक टॉपिक है जो मैं फिजिकल ज्योग्राफी में ही डील करूंगा, यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी, क्योंकि वो भौतिक भूगोल का ही एक पार्ट है, लेकिन आज की डेट में उसको अलग से वेटेज दिया जा रहा है। तो मेजर सेक्शन ज्योग्राफी में यही 3 पार्ट आता है, फिजिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल अलग से एक सेक्शन इसलिए बनाया गया क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, तो अपने देश के भौगोलिक विषयों की जानकारी होना वो हमारा कर्तव्य बनता, और इसीलिए परीक्षा के पाठ्यक्रम में भारत के भूगोल का एक अलग वेटेज है। इंडियन ज्योग्राफी भी मैं आपको अलग से रेफरेंस देकर पढ़ाऊंगा, लेकिन ओवरऑल आज से जान लीजिए ज्योग्राफी का मतलब है फिजिकल, रीजनल एंड ह्यूमन। ये 3 टॉपिक आप तैयार कर लें तो जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे ज्यादा भूगोल के अंतर्गत नहीं पूछा जाता है। तो आज की चर्चा के माध्यम से मैं पाठ्यक्रम स्पष्ट करना चाह रहा था, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ने जा रहे हैं ये कम से कम आपके सामने आ गया। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप फिजिकल ज्योग्राफी जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं उसके भी टॉपिक लिख लें, और अगली क्लास में मैं वहां पर पहले अध्याय की शुरुआत करूंगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक अगर आपसे पूछे जाएं कि फिजिकल ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है या टीचर क्या पढ़ाएंगे, तो कम से कम ये तो कन्फर्म आप बता सके कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत या फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक इंक्लूड है।
तो जैसा कि आज की चर्चा में मैंने ये जिक्र किया कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक खंड आता है स्थलमंडल का, यानी आप लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक पार्ट आता है वायुमंडल का, यानी आप एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक पार्ट आता है जलमंडल का, यानी आप हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक पार्ट आता है जैवमंडल का, यानी आप बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एक पार्ट आता है वो है ब्रह्मांड के बारे में, यानी ब्रह्मांड कह लीजिए और चाहे आप यहां पर जो है यूनिवर्स कह लीजिए, यानी खगोल की एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग इतने टॉपिक हैं जिसको तैयार करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले जो है वो स्थल मंडल टॉपिक से शुरुआत करूंगा। लेकिन ज्योग्राफी टर्म के बारे में आज आपने जाना, इराटोस्थनीज का नाम आपने सुना। इराटोस्थनीज 3rd century BC के एक ग्रीक स्कॉलर थे, उन्होंने एक फेमस बुक लिखी है जस पीरियोडस, उसके बारे में जाना। ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी। अब मैं एक अंतिम बात आपके सामने रखूंगा जो मैंने चर्चा के दौरान उठाई थी, एक ड्राफ्ट आपके सामने रखा था कि आज इन विषयों पर बात होगी। तो अब वो बात है कि भूगोल कैसे एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट माना जाता है, भूगोल को कोई क्यों जो है अन्य विषयों से संबंधित विषय माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे जीव विज्ञान हो, हर जगह पर इसका एक रिलेशन है। जैसे अभी मैंने क्या जिक्र किया कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें बायोस्फीयर के बारे में, जैविक घटकों के बारे में आप पढ़ते हैं। तो जब जैविक घटक की बात आ जाती है तो उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी का क्या महत्व है कि प्लांट्स इसी में ग्रो करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात हुई, तो ये वो बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाएगा जो बायोलॉजी के विषय पर भी ज्ञान रखता है। यानी भूगोल पढ़ते समय हमें कुछ ऐसे भी मुद्दे मिलेंगे जो बायोलॉजी जैसे साइंस से भी रिलेटेड दिखाई देगा। ऐसे ही भूगोल का संबंध रसायन शास्त्र से कैसे, केमिस्ट्री से कैसे रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो भूगोल में आप एक विषय पढ़ते हैं खनिज के बारे में, मिनरल्स के बारे में। अब मिनरल्स होते क्या है, एलिमेंट्स किसे कहा जाता है, तत्व किसे कहा जाता है, यौगिक किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, मिनरल्स का क्या रोल होता है, ये सब चीजें जब आप पढ़ते हैं, यानी खनिज कितने प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज अधात्विक खनिज में क्या अंतर होता है, खनिज का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इनका मिश्रण क्या होता है, ये सब चीजें वो बेहतर समझ पाता है जो केमिस्ट्री जैसे विषय पर थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं जिसके माध्यम से आपको पता चलता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व की संख्या क्या है, तो ये सब चीजें भी भूगोल विषय के अंतर्गत शामिल हैं। खासकर जब आप खनिज के बारे में, मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो आप यहां पर इन चट्टान, खनिज, इन सबको समझने में उसका प्रयोग करेंगे। ऐसे ही भूगोल विषय का संबंध अर्थशास्त्र से भी है। बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं हैं जो भौगोलिक ज्ञान पर आधारित होती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसान हैं तो किसान को भी भले ही किताबी ज्ञान ना हो लेकिन व्यवहारिक ज्ञान होता है, कौन सी फसल कब पैदा की जाती है। अब आप भले ही जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किताब पढ़ते हैं, लेकिन गलती से जाकर आप अपने घर पर अपने पिताजी, मान लीजिए आपके पिताजी एक फार्मर है किसान, और आप घर पर पहुंचे जाड़े के महीने में, अक्टूबर नवंबर का महीना है, और आप अपने पिताजी से कहें कि पिताजी इस समय चावल की बुआई हो रही कि नहीं, तो वो तो आप पर हंसेंगे ही कि ये बताइए छात्र है, ये भूगोल पढ़ रहा है कि नवंबर के महीने में राइस कल्टीवेशन की बात कर रहा है, चावल की खेती की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर्थिक क्रियाओं में भी हमें भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे परिवहन के साधनों का विकास, रेलवे लाइन बिछाई जा रही, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट जब किया जाता है, जब परिवहन साधन सड़क बनानी है, रेल लाइन बिछानी है, तो भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। डैम बनाना है तो भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता होती है कि कौन सी जगह पर डैम बनना चाहिए, कौन सी जगह पर सड़क बननी चाहिए, कहां पर रेलवे का
रेलवे लाइन बिछाना सुगम होगा, इन सब बातों को भौगोलिक ज्ञान जिसके पास है वो बेहतर तरीके से समझ सकता है। और इस कारण से मैंने कहा भूगोल का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ना केवल भूगोल आप परीक्षा को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, भौगोलिक ज्ञान आपको सक्षम बनाता है कि आप प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें और राष्ट्र के विकास में आप अपनी भूमिका अदा करें। तो एक कंट्री के डेवलपमेंट में इस ज्ञान की बड़ी उपयोगिता है, बड़ा यूटिलाइजेशन है, और हर एक विषय के साथ इसका गहरा संबंध है। जैसे इतिहास की बात कर ले तो आप इतिहास में पढ़ते हैं कि एक समय ऐसा था जब यूरोपीय व्यापारियों ने समुद्री यात्राएं प्रारंभ की और वास्को डिगामा 90 दिन की समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। तो ये समुद्री यात्राएं कैसे संभव हो सकी? इन्हीं समुद्री यात्राओं ने इतिहास की दिशा बदल कर रख दी। ये यूरोपीय अगर समुद्र के मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आ पाए होते तो शायद भारत के इतिहास की दिशा कुछ और होती। अगर भारत में जो उत्तर में हिमालय की सीमा है, अगर वो सीमा नहीं खड़ी होती तो इतिहास में कुछ और होता। भारत के तीन तरफ से जो समुद्र मौजूद है, अगर ये समुद्री सीमाएं नहीं होती तो शायद हमारे इतिहास की दिशा कुछ और होती। हिमालय में अगर उत्तर पश्चिम में दर्रे नहीं होते, पासेज नहीं होते, तो हो सकता है जो विदेशी आक्रमण भारत पर प्राचीन काल में हुए, चाहे वो सिकंदर का आक्रमण था या चाहे आप अरबों का आक्रमण देख लें, मुसलमानों का आक्रमण देख लें, वो हो सकता है ना होता। मध्य एशिया से जितने भी आक्रमण हुए इन प्राकृतिक दर्रों से हुए, यानी भूगोल कहीं ना कहीं इतिहास पर भी प्रभाव डालता। तो ज्योग्राफी को इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहा गया, यानी ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट रिलेटेड टू ऑल साइंस। एक विषय के रूप में भूगोल सभी विज्ञानों से संबंध रखता है, चाहे वो जीव विज्ञान है, चाहे रसायन है, चाहे फिजिक्स है। क्योंकि जब आप ज्योतिषी जैसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें फिजिक्स की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। जब आप यहां पर टेम्परेचर के कुछ फैक्टर पढ़ेंगे तो उसमें फिजिक्स की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। पूरी फिजिकल ज्योग्राफी का रिलेशन फिजिक्स से दिखाई देगा। यानी इसीलिए भूगोल को अंतर विषयक विषय माना जाता है जो अन्य विषयों से एक संबंध रखे। और इस तरह से भूगोल बड़ा रुचिकर विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसीलिए मैंने कहा था कि विद्यालय स्तर पर, स्कूल स्तर पर बच्चों को भले ही इसे सोशल साइंस में पढ़ाया जाता हो, लेकिन जब आप हाई लेवल पर स्टडी करते हैं, यूनिवर्सिटीज के लेवल पर स्टडी करते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें एमएससी की भी डिग्री होती है। यानी इसमें साइंस का भी पार्ट है और इसमें सोशल साइंस का भी पार्ट इंक्लूड है। तो आज की चर्चा से भूगोल की रोचकता क्या है, भूगोल विषय क्या है, भूगोल का पाठ्यक्रम क्या है, ये मैंने आपके सामने रखने का बच्चों प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और अगर आप सबको ये चीजें बेहतर लगी हैं तो आगे इसी के अनुरूप मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मूल विधि भी स्टार्ट कर दो। बिल्कुल, मूल विधि भी मैं स्टार्ट करूंगा। इसमें बच्चों के कमेंट मैंने देखे हैं जिन्होंने मूल विधि की क्लासेस के लिए कहा है, तो बिल्कुल वो क्लासेस चलेंगी। तो कल मैं फिजिकल ज्योग्राफी में पहला सेक्शन लिथोस्फेयर स्टार्ट कर दूंगा। कोशिश करूंगा शार्प 5 PM पर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए। तो कल से 5 बजे से पहला अध्याय, आज एक जनरल इंट्रोडक्शन की क्लास थी जिसमें पाठ्यक्रम भी बता दिया, कुछ फंडामेंटल चीजें क्लियर कर दी, और कल से मैं फिर इसके बाद लिथोस्फीयर पर चर्चा आरंभ करूंगा। तो आज के लिए इतना एनफ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को 5 बजे हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद।